टेंट अपना रेडी हो गया, सामने का नजारा। 6:10 है अभी और हमारे पास सिर्फ ये कैरावैन आई है और खत्म होगी जगह। काफी बंदे फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे भाई। एक नया स्यापा होगा यहाँ, चार्जिंग करने आए थे। ये ढूंढिए एक कैंपिंग स्पॉट फ्री के अंदर। गुड मॉर्निंग, आज भी बारिश आ गई है भाई, पक्षी करने लग गए अपनी आवाजें। फक, क्या हो गया? ये देखो ना, पानी इकट्ठा हो गया पूरा। और ये देखो भाई, लोगो लो टाइड आई तो कहाँ चला गया पानी भाई, वहां तक चला गया। और रात को आपको मैंने दिखाया था, ये जो दिख रहा है सी वीड, यहाँ पानी था हमारे, कितना पीछे चला गया पानी लो टाइड के अंदर। यार आज तो अंदर बाढ़ सी आ गई, देख रहे हो पूरा पानी इकट्ठा रखा है इस तरफ, यहाँ मैट के नीचे, यहाँ और पीछे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। आज कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो गया पानी भाई। भाई तुम्हारे भाई ने नया तरीका ढूंढ लिया है। ये देखो, मैंने बोर्डिंग कार्ड को ऐसे फनल बना के और इसमें भी डाल दूंगा मैं, कल की तरह हाथ गंदे नहीं होंगे, बाहर भी नहीं गिरेगा। भाई लेक नेस में आए थे जहाँ से कल हमने ग्रोसरी ली थी ना हग्गा मारने के लिए मॉल में, टॉयलेट तो मिला नहीं, एक स्टोर मिल गया नया, ये इसकी आज ओपनिंग है तो 40% ऑफ है, इसमें माल देखते हैं कुछ अगर मिल जाएगा तो। पर रेन पैंट्स नहीं है, वो देखता हूँ अगर सस्ती मिलेंगी तो। भीड़ तो काफ़ी यहाँ पे, यहाँ पे सबसे बड़ा शायद मेरे ख्याल से सोलवेयर और लेकनेस ना, ये काफ़ी बड़े टूरिस्ट हब्स हैं भाई। स्टिकर लिया है मैंने सुवेनियर के लिए, आप इसकी प्राइस अगर गेस कर दोगे ना तो जितनी इसकी प्राइस है वो इनाम दूंगा आपको एक बंदे को कमेंट में, अगर गेस कर दिया सही तो। चलो बता देता हूँ कितने का है। 50 करोड़ का भाई ये, 400 रुपये का स्टिकर है ये, 400 रुपये का। लेकिन कोई था नहीं और ऑप्शन, और सबसे सस्ता सुवेनियर यही था, तो मैं कहा चलो यही ले लेते हैं हम भाई। एक रेस्टोरेंट में आए हैं, इसका नाम है लिल्ले मिलानो। देखो बढ़िया कैंडल लाइट जला दिए, कपल बैठ के हम डिनर कर रहे हो। लिल्ले मिलान होता है लिटिल मिलान, लिल्ले मतलब लिटिल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइसेस हैं, देख लो। सैलड वगैरह मिल रही है 129 करोड़ की, स्टेक 73 मतलब इसमें वो होता है बीफ स्टेक, 73 मतलब कोर्स। कबाब देखते हैं, कबाब 160-170-180 मतलब एवरेज प्राइस 200 की है। ग्रिल देखोगे ना ये यहाँ पे 200-200 करोड़ के, मतलब वही नॉर्मल प्राइस जो नॉर्वे में होती है वही प्राइस है, कोई नई प्राइस नहीं है। बर्गर देख लो भाई, बर्गर भाई ये मंगाइए, नूर लान मतलब नॉर्थ लैंड, अच्छी है, 90 करोड़ की है, पानी फ्री होता है। अब ये कबाब आएगा अपना, ये आ गया भाई, फ्राइज भी आ गए थोड़े बोड़े और इसके अंदर चिकन भी है, चावल भी हैं, फुल मील है, मिली 190 करोड़ की। भाई अभी आपको लेके जा रहे हैं नुस फ्यूर, ये काफ़ी फेमस फिशिंग विलेज है, लेकिन बारिश तो हो ही रही है पूरे दिन से। और आपको मैंने बताया भी था, 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि भाई मौसम बड़ा मेहरबान है, इसीलिए मैं बोल रहा था, क्योंकि नॉर्वे के अंदर ना यहाँ पे ज़्यादा दिन धूप टिकती नहीं है। 2-3 दिन धूप अगर निकल गई ना तो उसके बाद बारिश होगी होगी हर सिटी के अंदर, ओस्लो हो चाहे बर्गन हो चाहे आपका येलोफुतन हो, तो इसीलिए मैं बोल रहा था। आज भी बारिश है और कल भी आधा दिन बारिश है, फिर दोबारा धूप निकलेगी। तो देख लो कल कितना शानदार लग रहा था, कितना हरा भरा होने के बावजूद भी अब कितना बेकार लग रहा है, क्योंकि ग्रे हो गया पूरा स्काई, आसमान नीला ही अच्छा लगता है। आप लोगों को दिखाना था मुझे पूरा का पूरा विलेज, लेकिन भाई बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है अभी ना बारिश में घूमने का, यार मेरा मूड ख़राब हो गया। अपनी शक्ल देख के ही समझ जाओगे कि मैं बिल्कुल ही एक्साइटेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये मौसम मेरे को नफरत है, मतलब ऐसे मौसम से ना। लेकिन हमने अभी एक चीज़ डिसाइड करी है, हम जा रहे हैं वापस बूदो, तो अभी 6 बजे फेरी है, 20 बजे हैं, 4:20, तो मोस्केनेस जा रहे हैं अभी हम, वहाँ से लेंगे फेरी और शाम तक पहुँच जाएंगे, मतलब 8 बजे तक, और फिर बूदो में कैंपिंग कर लेंगे कहीं पे, एक आधी जगह वहाँ घूम लेंगे हम बूदो में, वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ दिन वेस्ट करने से बढ़िया ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, अब तो गाड़ी में चक्कर मारते रहो, लेकिन व्यू थोड़ा सही है देखने में, बहुत प्यारी जगह थी ये भी, दिखानी थी आप लोगों को,
मैं वो खुद भी देखनी थी, लेकिन बारिश में बिल्कुल मन नहीं है यार, ना कि ढंग से देखी जाती ना ढंग से वीडियो बनाई जाती। भाई सही 5:20 हो गए हैं, फेरी लगने वाली है बस। और ये दिख रहा है आपको बार कोड, ये ना स्कैन करके अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपको ट्रैवल करने से पहले, ज़रूरी है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। अब ये डिलेमा आज के नंबर आएगा नहीं आएगा, तो 120 कार की कैपेसिटी है, देखते हैं अगर अपना नंबर आ जाएगा। आ तो हम टाइम से पहले गए हैं, लग तो रहा है शायद आ जाएंगे, बाकी देखते हैं। अरे फाइनली आखिरी गाड़ी देख रहे हो, हमारी आखिरी में लगी है, और मेरे को प्राइस ही पता लग गया कितना प्राइस है, मैंने अभी पे किया है 563 क्रोन्स है इसका प्राइस ना। क्योंकि 6:10 हैं अभी और हमारे पास सिर्फ ये कैरावैन आई है, अरे ख़त्म होगी जगह, मतलब सही लग चल रहा है पूरा अब तक ना इस ट्रिप पे। 3 दिन तो लग ही निकल गए, आगे एक हफ्ता और बचने वाला है, उसमें देखते हैं क्या लग रहेगा क्या नहीं रहेगा। यही सीन मैंने आपको आते टाइम दिखाया था, उस टाइम कितना डिफरेंट सिनेरियो था, सेम चीज़ कितनी अच्छी सुंदर लग रही थी। आज बारिश हो रही है, ग्रे स्काइज, बिल्कुल बेसिक लग रहा है कि कुछ खास नहीं लग रहा देखने में ना, ये फ़र्क कर देता है सिर्फ सूरज। चलो भाई बैक टू बूदो आ गए हैं, जहाँ शुरू की जर्नी वहीं वापस आ गए हैं भाई, और अब यहाँ घुमाएंगे आपको। अभी क्या बजे हैं, एग्जैक्ट 10 बजे हैं अभी, ठीक है। पहले कुछ खाने पीने का लेते हैं, और वही मिडनाइट सन यहाँ पर भी है, बीच यहाँ पर भी हैं, पहाड़ यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी धांसू सी जगह कोई ढूंढ के कैंप करेंगे भाई लोगों। ये आ गए हम साल्स थ्रोमन पे, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइडल करंट है, टाइडल करंट समझते हो, मेलस्ट्रोम बोलते हैं इसको, जो भंवर नहीं बनता भंवर, ये यहाँ से दो अलग अलग फ्योर्ड का पानी यहाँ आगे मिलता है, और इतनी भयंकर टाइड बनती है, यहाँ पर लिखा भी होगा कि 20 knots की स्पीड तक पहुँच जाता है, और 6 घंटे में पता नहीं कितना 400 मिलियन क्यूबिक पानी निकल जाता है इससे। ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है, अभी ऊपर से भी दिखाएंगे कार ले जाके, और अभी बस नीचे खाने के लिए जा रहे हैं हम। इस तरह वैसे पार्किंग स्पॉट है, और मौसम बड़ा सही है, हालांकि थोड़ी सी ठंड है, चिलीनेस सी है, क्योंकि एक तो घास होगी और पानी हो गया तो इससे लगती है, पानी के पास वैसे भी लगती है। तो जैकेट वैकेट पहनी है, बस खाने का थोड़ा अपना वही ब्रेड ही चल रही है भाई अपनी, और तो कुछ है नहीं खाने का, दिन में बस खाया था जो बढ़िया सा खाना मिला था, चिकन वगैरह था भाई। ये रास्ता यहाँ से ना नीचे बना पब्लिक के, ताकि आप पानी के बिल्कुल पास जा सको। आई थिंक दिस वे इट्स गोइंग। और ठंडी काफ़ी है, लेकिन देखा जाए तो ये खेत से लग रहे हैं, मैं तो एक लेयर और पहन ली जैकेट की ना, थोड़ा विंड प्रूफ है भाई। ऊपर से अगर बंदा कोई कूद जाए ना ख़त्म है, कितना पतला लग रहा है देखने में, ब्रिज कहीं टूट ना जाए ऐसा लग रहा है। टॉयलेट वॉलेट भी है यहाँ पर, सब चीज़ें हैं। So this way and that way. I think this way is good. This way? Yeah. Okay, we believe you, Mr. Nikolai. इसकी बम्बल पे, बम्बल पे आईडी बनवा दी है इसकी मैंने। क्या था लड़की भाई मेरे को बंदी मिलवा, हुआ चल ठीक है बम्बल पे आईडी बना ले। I'm saying that you told me that you want some girls. So I told you just make an ID on Bumble. Yeah, he is lying now on the camera, but मैं कह रहा हूँ कि दिन से ज़्यादा ना रात को प्यारा कलर आता है इसका आसमान का ना, गुलाबी गुलाबी।
ये है, वहाँ से पानी आता है और यहाँ से पानी आता है, और हाई टाइड में ना भंवर बनते हैं, मेलस्ट्रम जिसको बोलते हैं ना, आपको दिख रहे होंगे नीचे, दिखाता हूँ, देखो एक छोटे छोटे वर्लपूल जो बन रहे हैं ना, ये बहुत भयंकर बनते हैं। डिपेंड करता है किस टाइम पे आ रहे हो दिन में और मौसम कौन सा है, सर्दी है या गर्मी है, लेकिन दिख बड़ा शांत रहा है, पानी बड़ी फास्ट पेस में जा रहा है। इसमें अगर भाई गिर गया आप तो सीधा पावर, इसकी सफारी भी होती है इसके अंदर ना, बोट वोट लेके आते हैं, यहाँ पे ईगल्स बहुत सारी हैं, सीगल ईगल काफ़ी सारी हैं, काफ़ी बंदे फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें लिखा भी हुआ है कि अपनी फिश को ना साफ़ करके यहाँ पे उसकी गटिंग बोलते हैं, गटिंग उसके पेट वेट को जो आंतड़ियों को निकालने को, वो निकाल के इसमें फेंक दो दोबारा, ताकि जो पक्षी उड़ रहे हैं ये भी अपना खाना खा लें और मछलियाँ दोबारा उनको खा लें। ये भी बढ़िया है भाई, हमको मिल गया है बेंच, देख रहे हो सूखा हुआ है, और क्या बिल्कुल राजा वाली सीट मिली है, यहाँ बैठ के खाएंगे नज़ारा देख के, और खाएंगे क्या, दूध और ब्रेड। ये है सौदा पानी हमारा, ब्रेड, जैम, चिप्स, दूध, सलामी, कैवियार। भाई एक नया स्यापा होगा, यहाँ चार्जिंग करने आए थे, थोड़ा चार्जर तो ऑफ पड़ा हुआ है, ये चार्जिंग तो घंटा नहीं हुई, मैंने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया पहले, मैं बोला चल ठीक है बाद में लाइट लूट चलती होगी, कि जो CCS कनेक्टर होता है ना अंदर लॉक हो जाता है ये, उसके बाद चार्जिंग करता है, मैं देख रहा चार्जिंग ये लॉक हो गया एक तरह से, थोड़ा अनलॉक नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ से अनलॉक होता है, क्या सीन है इसका, और मैंने सारा दबा दू के देख लिया, ये हो नहीं रहा, लेकिन डिसकनेक्ट ना, कोई बटन भी समझ नहीं आ रहा इसका, कहाँ है क्या है क्या नहीं है। ये ढूंढिए एक कैंपिंग स्पॉट फ्री के अंदर, अभी हम वहाँ पर थे, वो ब्रिज दिख रहा है आपको, उस ब्रिज के उस तरफ थे, ब्रिज के इस तरफ आए, गूगल मैप पे मैंने देखा था, यहाँ पे सिर्फ एक कैरावन खड़ी हुई है। अब मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं वहाँ कैंप करूँ उस कॉर्नर में, ठीक है, और सामने ये नज़ारा हो, या मैं इस पत्थर पर चढ़ के आ गया हूँ, और पत्थर के बीच में जगह दिख रही है आपको वहाँ, वो फ्लैट सी वहाँ, या तो मैं वहाँ कैंप करूँ और ये सारा नज़ारा मेरा होगा। यही कन्फ्यूजन है कि वहाँ अगर सोता हूँ, सोते टाइम तो क्या ही व्यू दिखेगा, लेकिन सामने पूरा ऐसे फ्लैट दिखेगा, यहाँ थोड़ा एलिवेटेड सा दिख रहा है मेरे को सोने में, देख के आता हूँ वहाँ से कैसा दिखेगा पहले, या फिर यहाँ पे भाई, यहाँ कहीं पे भी मैं कैंप कर सकता हूँ और सामने ये नज़ारा होगा। तो मेरे को क्यों ये ज़्यादा बेटर लग रहा है वहाँ से लेकिन क्या वहाँ 360 व्यू दिख रहा है मेरे को, कन्फ्यूज़ हो गया हूँ यार, बताओ क्या किया जाए। अब ये हाई टाइड का भी नहीं पता, कब भाई के पता लगे मैं सो रहा हूँ, और मेरा जो मैट्रेस है हवा वाला वो साथ में कहीं मैं बीच में बह गया हूँ फिर मैं। ये लो भाई टेंट अपना रेडी हो गया है, सामने का नज़ारा ज़बरदस्त, ठीक है अब सुबह ही मिलेंगे आपसे, बस अब सीधा सोएंगे और सुबह गाड़ी चार्ज करके निकलेंगे वापस ओस्लो। तो ये 2-3 दिन की जो ट्रिप थी नॉर्दर्न नॉर्वे की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। टाइम हो गया अभी रात के 1:30, और मिडनाइट सन भी आपको मैंने दबा के दिखा दिया, ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी गाइस वीडियोस, आगे की जर्नी कंटिन्यू रहेगी मेरी, अब मैं जाऊँगा साउथ ऑफ जर्मनी, उसके बाद स्विट्जरलैंड वगैरह, लंबी सीरीज़ होने वाली है पूरी है। तो थोड़ा प्यार बना दो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कॉमेंट कर दो यार, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।